रेपुरा नगर में दिन दहाड़े अज्ञात चोरों ने सोने चांदी की जेवर सहित नगदी की पार। रेपुरा नगर के बीचों बीच पुराने स्टैंड के बैंक के पास दिनांक 22 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे के बीच अज्ञात चोरों ने सोने चांदी एवं 30,000 रुपये नगद राशि में हाथ साफ कर दिया है। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित परिजनों द्वारा बताया गया है कि वह मजदूरी का काम करते हैं और ग्राम के पास बनी बीड़ी फैक्ट्री में काम करने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है, जिस पर वह घर पहुंचे तो देखा कि अंदर अलमारी का सब सामान फैला पड़ा है और अलमारी के अंदर से सोने चांदी के जेवर गायब हैं। वहीं अलमारी में रखे डिब्बे से 30,000 रुपये भी नहीं हैं, जिसकी सूचना रेपुरा थाना प्रभारी मनोज कुमार यादव को लगी। वह तुरंत ही मौका स्थल पर पहुंचे और उन्होंने मौके का जायजा कर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की सहायता से अज्ञात चोरों की खोजाबीनी शुरू कर दी है। चार चूड़ी और एक बड़ी बेड़ी है, 20,000 में आते हो, 10,000 वही डिब्बा में आते स्टील की, और पूरे सामान जितने आधार कार्ड आते सामान तो पैसे, और इसको एक मंगा चुना छोटा वाला, वो भी चलेगा। अच्छा, ये कितने बजे की बात है? 1:30 बजे तो हम खाना खा के गए। कहाँ गए थे आप लोग? बड़ी फैक्ट्री, बड़ी भारतीय। अच्छा।